हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। छोटी सी वीडियो, हो सकता है कि आपके काम आए। तो आइए देखते हैं क्या है आज के इस वीडियो में। यहाँ पर देख सकते हैं ये उधारी की लिस्ट पड़ी हुई है, ये देख सकते हैं उधारी की लिस्ट, ठीक है। अब ये उधारी की लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत बड़ी तो कोई रेंज नहीं है, छोटी सी एक रेंज हमारे पास है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है। अब इसमें हमें चिन्हित करना है कि कितने लोग ऐसे हैं जो 5000 से लेकर उससे अधिक की उधारी उनके ऊपर है, उनको हमें चिन्हित करना है। या तो आप एक एक करके करिए, एक को सेलेक्ट कीजिए, उसको चिन्हित करने के लिए कोई एक कलर लगा दीजिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हाईलाइट सेल रूल, चलिए ग्रेटर देन पे चलते हैं। ये ग्रेटर देन पे आए, यहाँ पर ग्रेटर देन में मैं क्या लगाऊंगा 4999 से जो ग्रेटर है, ठीक है। और यहाँ पर ये रेड कलर में, भाई ये लोग जो है पैसा नहीं देते हैं तो ये लोग रेड कलर में मैंने इन्हें कर दिया। और यहाँ से आप ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी लोग 4000 से ज्यादा बकाया लगाए हुए हैं उनके में ये रेड कलर में आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी ने पैसा दे दिया, कुछ हद तक पैसा दे दिया, इनका मान लीजिए अब 2000 बाकी है, तो जैसे ही 2000 करेंगे ना तो ये रेड कलर अपने आप हट जाएगा, देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का छोटा मोटा यूज कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।